दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं कैसे लखनऊ से यहाँ निकला और अपने सफर की शुरुआत की। फिर मैं पहुंचा अयोध्या, वहां से रिक्शा लेके मैं चला गया हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में मैंने दर्शन किए, वहां पर कितनी भीड़ थी, क्या थी, सारी जानकारी मैंने आपको दी। दर्शन करने के बाद फिर मैं वहां से बाहर आया और उसके बाद फिर मैं गया था राम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वहां पर कैसे दर्शन कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, आप अपने शूज और सामान कैसे रख सकते हैं, डॉक्टर की फैसिलिटी और वहां पर कहां रुक सकते हैं, सारी चीज मैंने आपको बताई। तो अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और इस वीडियो में आगे का दिखाते हैं। राम मंदिर में जब आप दर्शन कर बाहर आएंगे तो आपको ये दुकानें यहाँ पर मिलेंगी सजी हुई, जहाँ पर राम भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ, फोटोज और राम मंदिर के जो चिन्ह है वो सारे मिलेंगे। साथ ही बच्चों के लिए काफी सारे खिलौने, टॉयज वगैरह मिलेंगे, तो आप उन्हें वो भी दिला सकते हैं। यहीं से आगे चल के आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दशरथ महल, जहां पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। दशरथ महल वो महल है जहां पर राजा दशरथ रहा करते थे और एक तरफ से कहें कि उनका रेसिडेंस है जहां पर वो रहते थे। तो यहां पर हम आ गए हैं और हमने सोचा चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो यहां पर जो भी लोग राम मंदिर में दर्शन करने आते हैं, अयोध्या आते हैं, वो यहां पर भर जरूर आते हैं। तो यहां पर प्रसाद वितरण हो रहा था, हमने प्रसाद दिया और उसके बाद हम आगे चले गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये दशरथ महल काफी खूबसूरत है, काफी सुंदर है और अच्छे से कलर में इसको पेंट किया गया है। इसका रखरखाव भी अच्छे से किया गया है, अदरवाइज अभी तक तो ये बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता। तो लोग यहाँ पर काफी आ रहे हैं, मैंने देखा काफी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर मंदिर जो है उसके कपाट अभी बंद थे, इस वजह से यहाँ पर अभी ज्यादा भीड़ लगी है। अदरवाइज लोग यहाँ पर दर्शन कर चले जाते हैं। तो सभी लोग रुके हैं हमारे साथ, हम भी रुके हैं यहाँ पर और इंतजार कर रहे हैं कब मंदिर के कपाट खुलेंगे और हम भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। जब तक मंदिर के द्वार नहीं खुल रहे थे तो हम इस दशरथ महल के सुंदरता को निहार रहे थे और काफी अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर हमें पता चला कि अब द्वार खुलने वाले हैं और फिर इस तरह से यहाँ पर देखिए द्वार खुल गए और सबने श्री राम के जयकारे लगाए, उद्घोष लगाया और प्रभु श्री राम के हम सबने यहाँ पर दर्शन किए। दर्शन करके मन काफी प्रफुल्लित हो गया और काफी अच्छा लगा। ऐसी पुरानी जगह पे आके एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही भाव आता है, तो हम सबने वो चीज महसूस की। राम मंदिर के बाद अब दशरथ महल के भी दर्शन हो गए हैं और उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है सब कुछ अच्छे से दिखाने के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और भंडारा भी लगा है यहाँ पर ही, और इसके अंदर काफ़ी सारी जगह है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप घूमने आते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपको सामने ही मिल जाएगा। दशरथ महल के थोड़ा आगे अगर आप वॉक करके आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कनक भवन। कनक भवन हम यहाँ पर चलते हुए पहुँच गए और हमने देखा कि ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। इसकी सुंदरता काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे कलर में पेंट किया गया है और इसकी भी एक कहानी है, ये इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी यहाँ घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कनक भवन का नाम कैकेयी माता के नाम से आया है, यहाँ पर वो पहले रहा करती थी, लेकिन जब भगवान राम की शादी हुई तो कैकेयी माता ने सीता जी को मुंह दिखाई में ये कनक भवन उपहार में दिया और उसके बाद भगवान श्री राम और सीता माता इसी कनक भवन में रहते थे। वनवास जाने से पहले लगभग वो 12 साल तक इसी भवन में रहे थे और यहाँ पर काफी सारे साक्ष्य भी मिलते हैं। कनक भवन घूमने के बाद हम आ गए हैं लता मंगेशकर चौक। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और ये चौक अब काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पर सूर्य स्तंभ भी लगे हैं और ये एक नया घाट बनाया गया है, यहाँ पर आकर अपना शाम का वक्त बिता सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ लता मंगेशकर चौक पे और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और शाम का समय है, लोग बहुत इकट्ठा हो रखे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं जो रात में चमकते हैं और साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर नया घाट बनाया गया है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं दर्शन से पहले, और अभी भी काफी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मेन बात यह है कि बहुत नजदीक है, बहुत ही पास है, यहाँ पे स्नान करके आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। चलिए हम भी चलते हैं नया घाट पे। स्नान तो हम नहीं करेंगे लेकिन हाँ हम थोड़ा सा शुद्धि कर लेंगे अभी। वैसे यहाँ दर्शन से पहले आया जाता है लेकिन मैं दर्शन के बाद आया हूँ क्योंकि मैं सीधा जैसे आके वहाँ पे दर्शन कर लिया था और उसके बाद आया हूँ। मेरे पहले यहाँ पे स्नान किया जाता है, उसके बाद दर्शन के लिए जाया जाता है। तो हमने स्नान तो नहीं किया लेकिन जितना कर सकते थे उतना हमने कर लिया।
फिर कभी आएंगे, फिर स्नान भी करेंगे और उसके बाद प्रॉपरली दर्शन करेंगे। अभी यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है सारे काम, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है ऐसा लोग मानते हैं आने से पहले, तो सारे काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा तो भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अगली बार हम आएंगे तो आराम से स्नान करके फिर जाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ पर आप अपना 360 वीडियो भी बना सकते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं, फोटो भी खिंचा सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें लगी हुई हैं, आपको बस स्टॉप जाना है या एयरपोर्ट जाना है, दूसरी जगह जाना है, वहाँ के लिए आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक बस सीधा मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सारी सर्विस अच्छे से मिलेगी, लगातार बसें आ रही हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ पर एक बड़ी सी वीणा देखने को मिल जाएगी, जो कि लता मंगेशकर चौक की पहचान है। इसे आपने अभी तक देख लिया होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर होते हैं यहीं पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं। ये लता मंगेशकर चौक काफ़ी फेमस है और काफ़ी सुंदर है। अभी तो यहाँ भीड़ है, लेकिन जब भीड़ नहीं थी तब भी ये बहुत सुंदर लगता था। और इसका मेन जो आकर्षण है वो ये यहाँ पर सूर्य स्तंभ लगे हैं, इनका आकर्षण सबसे ज़्यादा है। ये बहुत ही अच्छे से चमकते हैं और इनका प्रकाश काफ़ी अच्छा लगता है, रात में यहाँ पर काफ़ी अच्छी रोशनी देखने को मिलती है और ये काफ़ी सुंदर लगता है दृश्य। शाम के वक्त जब लोग यहाँ पर आते हैं तो सबकी चाह यही होती है कि इस वीणा के सामने फोटो ले लें और अपने मित्रों परिजनों को सबको दिखाएं कि हम अयोध्या होकर आए हैं। तो आपको यहाँ पर देखकर लगेगा कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों हैं, बट हाँ जब आप आएंगे तो आप भी इनके साथ ही घुल मिल जाएंगे और इस वीणा को देखते रहेंगे और आप भी यहाँ पर रील बना पाएंगे, वीडियो ले पाएंगे, फोटोज ले पाएंगे और आपको यहाँ पर जो अनुभव है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ये चौक अब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, हर एक जगह के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और एक ही चौक पर आपको पूरा भारत यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बगल में जो सूर्य स्तंभ है वो रात में काफ़ी ज़्यादा चमकते हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे ही संध्या हो जाएगी, सूर्य स्तंभ जलेंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए और आपको पसंद आएगा। अभी संध्या का समय हो गया है और आप देख सकते हैं ये सूर्य स्तंभ सारे जल गए हैं और बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये देखने। और रात होगी तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्रसिद्ध वीणा जो कि लगी है लता मंगेशकर चौक पर और इसी की पहचान है ये लता मंगेशकर चौक। और यहाँ पर लोग हमेशा आपको मिलेंगे, हमेशा भीड़ रहेगी, क्योंकि ये काफी फेमस हो चुका है ये चौक। लता मंगेशकर चौक के बगल में ही आपको यहाँ पर मिलेगा राम की पौड़ी, तो राम की पौड़ी पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिल जाएगी और यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं, मंदिर जाने से पहले आके भी स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोग स्नान कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो आप यहाँ पूजा पाठ भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। अब पूरी तरह से रात हो चुकी है और यहाँ पर लता मंगेशकर चौक पर कुछ इस तरह का नज़ारा है, सारी बत्तियाँ जल चुकी हैं और वीणा कुछ इस तरीके से दिख रही है। और इस लता मंगेशकर चौक पर वीणा से भी अच्छा आपको नज़ारा ये देखने को मिलेगा, जहाँ पर सारे के सारे सूर्य स्तंभ जल रहे हैं। इसे देखने के लिए ही लोग यहाँ पर रुकते हैं शाम को और ये जब जल जाता है पूरी तरह से लोग देखते हैं, तो हम भी इसलिए रुके थे ताकि हम इसे देख सकें और आपको भी दिखा सकें। तो उसके बाद हम एक बार फिर से यहाँ पर राम की पैड़ी पर आए रात में देखने के लिए और नज़ारा काफ़ी अच्छा। तो रात के समय आप लता मंगेशकर चौक को इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने आपको दिन में भी दिखाया और थोड़ा इंतजार किया ताकि मैं आपको रात में भी दिखा सकूं। तो रात में कुछ इस तरह का नजर आता है, काफी सुंदर है, सारे सूर्य स्तंभ है वो जल चुके हैं और उसके बाद जो रोशनी है वो देखने लायक है और देखते ही बनती है, काफी खूबसूरत है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लगी है वीणा जो कि लता मंगेशकर चौक की पहचान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो भी काफी सुंदर और काफी खूबसूरत लग रही है। तो दोनों ही चीजें मैंने आपको दिखा दी, दिन में कैसा नजारा लगता है और रात में, तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही चीजें पसंद आई होंगी। दोस्तों अब मैंने पूरा घूम लिया है, आपको मैंने दिखाया लता मंगेशकर चौक और इसके बगल में यहाँ पर है राम की पौड़ी जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। पहले लोग यहीं पर स्नान किया करते थे, अभी भी करते हैं और नया घाट अभी बनकर तैयार हुआ है, तो यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। राम की पौड़ी मेन यही है, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कैसे आप स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो लगभग सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, कैसे आपको हनुमानगढ़ी आना है, कैसे राम जी के दर्शन करने हैं और कैसे यहाँ पर सरयू नदी पे आना है राम की पौड़ी पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उम्मीद है आपको इस यात्रा से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप अपना जो ट्रैवल है वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है आपके तो वो पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं, सब कुछ मैंने घुमा दिया, कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, जो आपको पता हो मुझे ना पता हो। अगर आप यहाँ पर पहले कभी आए हैं तो इस वीडियो का अंत करने का समय हो गया है। बोलिए जय श्री राम।
इसके बाद मैंने लता मंगेशकर चौक से ही एक बैटरी रिक्शा पकड़ा जो कि इलेक्ट्रिक था, और इसके बाद मैं चल पड़ा बस स्टैंड की ओर। बस स्टैंड जाते वक्त मैंने रास्ते में देखा कहीं पर भंडारे लगे थे, कहीं पर रामकथा हो रही थी, जगह जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा था। तो आप यहाँ से अगर रिक्शा नहीं लेना चाहते हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं आराम से, जैसा मन करे वैसे जाइए। वॉक करके जाना है तो वॉक करके भी जाइए और आप अपने बस स्टॉप पर पहुँच जाइए, और उसके बाद आप जहाँ जाना है जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं। और अगर आप दूर से आते हैं तो आप यहाँ पर स्टे करिए, नेक्स्ट जाइए, क्योंकि मैं लखनऊ से आया था इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।